भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में दिलशाद कॉलोनी की निगम पार्षद हैं इंदिरा झा जी। इंदिरा जी, आजकल एक आप देख रही होंगी रेड लाइट पर एक बैनर दिखता है, कुछ लोग भी दिखते हैं, वॉलंटियर्स कह सकते हैं उनको, जो कि कहते हैं कि युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। आम आदमी पार्टी का भी नारा है, केजरीवाल जी भी कहते हैं कि युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। मैडम, ऐसे में क्या वाकई ये कारगर सिद्ध हो रहा है कि रेड लाइट ऑन हो तो गाड़ी आप ऑफ कीजिए और प्रदूषण पर कंट्रोल होगा? कितना कंट्रोल हो पा रहा है? नमस्कार कविता जी। दिल्ली सरकार का काम है बरगलाना जी। देखिए, गरीब जनता रेड लाइट पर या सड़क पर घूम रहे हैं, एक रुपए के मास्क के बदले 500 रुपए ले रहे हैं। मैम, 5 रुपए का मास्क है, 500 रुपए का चलान हो रहा है, यही सोचने वाली बात है। वो अपना जेब भर रहे हैं जी। दिल्ली सरकार का नेता जितने हैं, मुख्यमंत्री, सभी अपना जेब भर रहे हैं। और देखिए, 21,000 के वॉलंटियर जी लगा रहे हैं, लगा रखे हैं, उनको 21,000 मतलब तनख्वाह मिल रही है जी। और 1 रुपए 5 रुपए की मास्क उनको, जनता को नहीं दे पा रहे हैं। कह रहे थे प्रदूषण में हम मैकेनिकल गाड़ी स्वीपर लगा रहे हैं, लगाएंगे, भर देंगे, लेकिन अभी तक एक भी दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, नहीं लगाया है। आप जो देख रहे हैं प्रदूषण की लड़ाई MCD लड़ रहे हैं। हमने अपने वार्ड में पर डे पानी की टैंकर से पत्ते पर सड़क पर पानी का छिड़काव कर रहे हैं, जो धूल कहीं जमा ना रहे, जिससे प्रदूषण कम हो, फैले नहीं। मैकेनिकल स्वीपर भी हमारे पास है, उससे भी हम रोडों की सफाई करवा रहे हैं, जो धूल ना उड़े। लेकिन दिल्ली सरकार बिल्कुल कुछ नहीं कर रही है। वो नाकाम मुख्यमंत्री हैं, जनता को बड़गड़ा के आ गए हैं, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं। मैम, बिल्कुल आपने सही कहा, सिर्फ चल रहा है कि युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, रेड लाइट ऑन। मैम एक बात बताएं, रेड लाइट ऑन करने के बाद जो इंजन ऑफ होता है, ये तो जो न्यूज़ है, ये जो सूचना है, ये तो हमारी बात करें कि बजट को बचाने के लिए भी कई बार सामने आई है। पेट्रोल पंप वाले भी कहते हैं कि आप अगर सेविंग करना चाहते हैं इंजन की, पेट्रोल की, तो आप बंद कर दें गाड़ी। तो क्या नया इसमें, कुछ नया आपको लगता है क्या? जी नहीं, ये भी बरगलाने वाली बात है। आप देखिए, सेकेंड में मतलब रेड लाइट होती है, 2 सेकेंड 5 सेकेंड की होती है, उसमें हम कितना मतलब बंद कर लेंगे, फिर स्टार्ट करने में तो हमें टाइम लगेगा, है ना। हम बिल्कुल नहीं बचा पा रहे हैं। केवल केजरीवाल अपना प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, करोड़ों के प्रचार प्रसार में खर्चा करते हैं, और जनता के हित में एक भी काम, आप बताइए, एक भी काम हित में नहीं है। इंदिरा जी, बात करें हमारे छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों की, या करें हमारे बुजुर्गों की, सीनियर सिटीजन्स की। मैम, 30 सिगरेट एक दिन में पीने का जो धुआं होता है, वो हमारे जो लंग्स हैं वो ले रहे हैं दिल्ली के अंदर में। मैडम क्या लगता है? उनका कहना तो है जी, NCR में पराली जल रही है, हरियाणा में पराली, UP में पराली, उस चक्कर में हमारे यहाँ पर प्रदूषण हो रहा है। हर साल हरियाणा में आज से नहीं पराली जल रही है, कई सालों से जल रही है, और वो भी उसका 10% है मात्र, उसका 10% प्रदूषण में आता है। और यदि दिल्ली सरकार कुछ करे प्रदूषण के खिलाफ, तभी तो कुछ पैदा होगा। दिल्ली सरकार हाथ पे हाथ धरे गए, देखिए प्रदूषण से कितना नुकसान हो रहा है। मैम वो तो कह रहे हैं हमने ऑड इवन चलाया, हम युद्ध प्रदूषण के लिए, कितना ऑड इवन से कहाँ, अभी कहाँ चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। देखिए प्रदूषण से कितना नुकसान है, बुजुर्ग को सांस की बीमारी, बच्चे को सांस की बीमारी, मतलब आप देखिए कितने % सांस की बीमारी बढ़ रही है, बढ़ रही है। बच्चे लाइफ कितने 10 साल हमारे दिल्ली में रहने से लाइफ कम हो रहे हैं, कम हो रही है, लेकिन मजबूरी है, यहाँ रोजगार है, इसीलिए बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं जी। दिहाड़ी मजबूत दूर के लिए देखो इन्होंने क्या करा जी। बात करें मास्क की, आपने कहा 5 रुपए का मास्क, 500 रुपए का चालान दिल्ली सरकार की जेब में। वो आदमी जो बेचारा शायद 500 रुपए भी नहीं कमा पाता दिन भर के, और वो एक 5 रुपए के मास्क के लिए चालान कट जाता, क्या लगता है क्या और कोई रास्ता नहीं है कि आदमी को बचाया जा सके कोरोना काल में? जी रास्ता है जी। दिल्ली सरकार को, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को चाहिए
जो पाँच रुपये, आप पाँच रुपये कह रही, मैं तो कह रही हूँ एक रुपये की ये मास्क है जी, एक रुपये की मास्क के लिए बांटे जी, जनता को दे, बिल्कुल हर एक क्षेत्र में दे जी, जो गरीब दिहाड़ी मजदूर है, श्रमिक मजदूर है, उन सबको दे। वो 500 रुपये पर डे कहाँ कमा रहे हैं? मैम वो तो कह रहे हैं जो होमगार्ड लगाए हैं, जो सिविल डिफेंस वाले उन्होंने लगाए, कह रहे हैं जी सैलरी अपने आप निकालो, आप हमें नहीं पता, आप निकालो सैलरी। हाँ तो ये तो चाहते हैं जनता से लूटे जी, जनता से लूट कर अपना जेब भरे जी। इंदिरा यही मकसद है बिल्कुल। इंदिरा जी दिवाली सामने है, आंखों में जलन होती है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि बुजुर्गों की स्थिति क्या है, एक तो कोरोना की मार, फिर पॉल्यूशन की मार। अभी करवा चौथ गया, चांद 1.5 घंटे लेट दिखा, क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन सारे में था, तारे नहीं दिखते, चांद नहीं दिखता, लॉकडाउन में साफ आसमान दिखता था। मैडम ऐसे में पॉल्यूशन इतना ज्यादा है फिर भी पटाखों पर बैन क्यों नहीं सख्ती से? देखिए पटाखे साल में एक बार दीपावली आती है, हिंदुओं के त्यौहार धूमधाम से दीपावली मनाई जाती है, उसके लिए ग्रीन पटाखे हैं, ग्रीन पटाखों का चलन चल रहा है। हाँ, ग्रीन पटाखे चल रहे हैं, ग्रीन पटाखे ही इस बार चलेंगे। लेकिन बच्चों बहुत उत्साह से बच्चे सोचते हैं, मतलब 6 महीने से इंतजार करते हैं जो दीपावली आए, दीपावली आए, छठ आए, छठ आए, तो उसमें पटाखे फोड़ना है। तो एकदम से हम कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन पटाखे के मतलब वही खरीदे, बल्कि प्रदूषण वाले फटाके ना खरीदे। मेरे आपके माध्यम से मैं नागरिकों से, जनता से भी अपील करती हूँ, दीपावली दीयों की त्यौहार होती है, बिल्कुल रोशनी का त्यौहार, रोशनी की त्यौहार होती है, ना कि इलेक्ट्रिक लाइट, चाइनीज लाइट की जी। मैं सभी नागरिकों से अपील करती हूँ जो आप लोग दीपावली में दीपों की त्यौहार मनाएं। जब हमारे रामचंद्र भगवान जी अयोध्या आए थे तो दीपों से दीपावली मनाई गई थी। इसी तरह पौराणिक जो हमारी परंपरा है, चलन है, वो दीपों से दीपावली मनाएं, ना कि फटाके से और ना कि चाइनीज लाइट से। बिल्कुल बिल्कुल, मैम का कहना बिल्कुल सही है। इंदिरा झा जी हमारे साथ निगम पार्षद दिलशाद कॉलोनी की, साफ तौर पर कहा कि मेड इन चाइना को नो कहो और मेक इन इंडिया को हाँ कहो, क्योंकि हमें देश को बढ़ाना है। सिर्फ और सिर्फ पटाखों पर बिल्कुल हमेशा से अपील चलती आई कि पटाखे नहीं, लेकिन बिल्कुल मैम का कहना सही है कि पटाखे को आप बिल्कुल मना करिए। उसके अलावा अगर आपको पटाखे जलाने ही हैं तो ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करें, जिससे कि हमारा वातावरण शुद्ध रहे। और अपने जी हमारे अपने जैसे हम दीप का ज़्यादा यूज करेंगे तो रोजगार बढ़ेगा। बिल्कुल, तो हमारा ये कहना है कि हम अपने भारत की, जो हमारी भारत की बनी हुई चीज़ है, उसका उपयोग करें। लक्ष्मी गणेश हुआ, पटाखा हुआ, लड़ी हुआ, जो कोई हुआ, जैसे सजाने के लिए शुभ दीपावली, सारे हम अपने इंडियन यूज करें, भारतीय यूज करें, जिससे कि हमारे देश में रोजगार बढ़ेगा। यदि हम 90 दिन तक अपना ही देश का जी चीज़ उपयोग करेंगे तो चाइनीज की विदेशी कंपनी सारे बंद हो जाएगी, अर्थव्यवस्था हमारी बढ़ जाएगी। इसीलिए मैं नागरिकों से अपील करती हूँ जो आप लोग देसी चीज़ खरीदिए, चाहे कपड़ा हो, खाने पीने का हो, सजाने का हो, कुछ भी हो, अपना देसी चीज़ यूज कीजिए।